टमी टक के पहले या बाद में क्या डाइटरी मॉडिफिकेशंस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक जयपुर, आज इस वीडियो में टमी टक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सर्जरी से पहले किसी भी तरह की ज़्यादा वेट लॉस की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक नॉर्मल स्टेबल वेट मेंटेन करके रखना चाहिए, पर्टिकुलर और एक रूटीन डाइट लेनी चाहिए, सो दैट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो रिकवरी है वो और प्लस वुंड हीलिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो और जो चांसेस हैं कॉम्प्लिकेशंस होने के वो कम से कम हो सके। इसके अलावा सर्जरी के बाद भी कुछ केसेस में कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए हम एडवाइस करते हैं कि वो नेक्स्ट डे से ही एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी या मोबिलिटी विद इन योर लिमिट्स, जितना आप वॉक कर सके उतना आप ज़रूर से खुद को मोबिलाइज करें, थोड़ा आगे झुक के चलें, बट चलें ज़रूर, बेड रेस्ट ना करें। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप कॉन्स्टिपेटेड प्रोन हैं तो आप अपनी डाइट में रफेजेस या फाइबर्स ऐड करें, सैलड ऐड करें, सो दैट कॉन्स्टिपेशन के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज़ किए जा सके। और हाँ, यदि आपको सर्जरी से पहले कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है तो ऐसे पेशेंट्स में हम एडवाइस करते हैं सर्जरी के जस्ट बाद उन पेशेंट्स में हम लैक्सेटिव स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट कि बाउल मूवमेंट जो है वो नॉर्मल रहे, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो और वो कंफर्टेबल रहे और जो रिकवरी है वो अच्छे तरीके से और नॉर्मल तरीके से हो जाए। सो अगर आप सर्जरी से पहले एक नॉर्मल रूटीन रेगुलर डाइट लेते हैं और सर्जरी के बाद रीजनेबल अमाउंट ऑफ मोबिलिटी मेंटेन करते हैं तो जो कॉन्स्टिपेशन और किसी भी तरह की बाउल की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम है, और अगर वो होता भी है तो अर्ली स्टेज में ही उसके लिए मेडिसिन या ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और वो बहुत आराम से रिजॉल्व हो जाती है, सो दैट आपकी जो रिकवरी है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में टमी टक के बाद वो स्मूथ रहे, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन रहे और आप जल्दी से जल्दी रिकवर करके जिस तरह की आप एब्डोमेन की शेप चाहते हैं वो अचीव कर सकें। थैंक यू।